नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। पिट चुके हैं संजय सिंह। जी हां, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पिट चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी पर सवाल दागे तो पत्रकारों ने पीट दिया। और अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं कि किस तरह से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागा है। जी हां, यही हकीकत है आम आदमी पार्टी की। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ देते हैं, रैलियां छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके वादे झूठे होते हैं, इनके कारनामे झूठे होते हैं। बता दूं आपको, इन्होंने आवासीय जगह पर, जहां पर सरकारी आवास है, इन्होंने वहीं पर कमर्शियल इस्तेमाल कर लिया, यानी अपनी ऑफिस बना ली है। जब पत्रकारों ने पूछा कि वो गैर कानूनी है और जब केंद्र सरकार उसको गिराएगी तो आप कहेंगे कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, तब आप आवासीय जगह पर कमर्शियल इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? पत्रकारों ने पूछा तो ये मंच छोड़कर भाग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बस आपसे अनुरोध करता हूं, कमेंट बॉक्स में इनके लिए दो चार लाइन जरूर लिख दीजिए। ये दिल्ली नहीं है साहब, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, चुनाव लड़ने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। सोचिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव इनके दादा परदादा नहीं जीत सकते, क्योंकि ये दिल्ली वालों को मूर्ख बना सकते हैं। दिल्ली में पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा फ्री कर सकते हैं, लेकिन यूपी में नहीं। एक मैं आपको पोस्ट पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि आम आदमी पार्टी क्या है। सही में बता दूं आपको, आवासीय जगह पर कमर्शियल इस्तेमाल, यह भी भ्रष्टाचार। पत्रकार वार्ता के दौरान आप सांसद संजय सिंह से पूछा गया कि वह आवासीय जगह पर अपना कार्यालय बनाकर कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, एलडीए जब कार्रवाई करेगा तो आप सरकार पर इल्जाम लगाएंगे, क्या यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता? यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी युवाओं को रोजगार व बिजली पानी निःशुल्क देने के दावे कर रही है, लेकिन उसके पास कोई रोड मैप तैयार नहीं है। बिजली पानी देने के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं है, और ये झूठा वादा कर रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल झूठा वादा कर रहे हैं यूपी की आवाम से, और ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में बिजली पानी फ्री कर देंगे। सोचिए, कोई रोड मैप नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज मैं आपके सामने ऐसा चिट्ठा खोलने वाला हूं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या सचमुच आम आदमी पार्टी लुटेरी पार्टी है। आज मैं आपके सामने चिट्ठा खोलने जा रहा हूं, और क्या हुआ था उस वक्त जब मंच छोड़कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे हैं संजय सिंह, जो कहते हैं यूपी में जंगल राज है, यूपी में भगवा लहराया जाता है, यूपी में मुसलमानों को मारा जाता है। आज देखते हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। चलिए, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा वीडियो दिखाते हैं कि क्या हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़नी पड़ी। बता दूं, दिल्ली में अपनी डगमगाती सियासत के बीच उत्तर प्रदेश में अस्तित्व तलाश रही आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को यहाँ के पत्रकारों ने उनकी करतूतों का जिक्र कर आईना दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह का दांव उल्टा पड़ गया। दूसरों पर आरोप लगा सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे संजय सिंह से पत्रकारों ने दिल्ली में यूपी वालों के अपमान और बेकाबू कोरोना पर सवाल दाग दिए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के बजाय आप सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर ही चले गए। कोविड प्रबंधन में WHO समेत दुनिया भर में प्रशंसा पा रही योगी सरकार पर सवाल उठाने पहुंचे संजय सिंह। दिल्ली में कोविड के नाम पर उपकरणों की खरीद में हुए घोलमेल पर सबूतों के साथ हुए सवाल पर तिलमिला उठे। यूपी में राजनीति करने का सपना देख रहे संजय सिंह से पत्रकारों ने कोरोना के कठिन दौर में यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से जबरन बाहर किए जाने पर सवाल पूछा, लेकिन सीधा जवाब देने के बजाय संजय सिंह मामले को टाल गए। जी हाँ, जब देश में कोरोना चल रहा था, जो जहां था वहीं उसको रोकने के लिए कहा गया था कि वहीं पर वो रुक जाए, लेकिन
अरविंद केजरीवाल ने उन मासूमों को, उन बिहारियों को, उन उत्तर प्रदेश के निवासियों को लाकर दिल्ली बॉर्डर पर छोड़ दिया था मरने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया था, दिल्ली से निकलवा दिया था। याद करिए अरविंद केजरीवाल, तुम क्या लड़ोगे उत्तर प्रदेश का चुनाव जब तुमने यूपी के लोगों के साथ न्याय नहीं किया, तो चुनाव क्या लड़ोगे, क्या खाद जीतोगे? क्योंकि कोरोना काल में जब यूपी के लोगों को दिल्ली में रहने की आवश्यकता थी, तब आपने उनको बॉर्डर पर फेंक दिया था। केजरीवाल याद कीजिए, केजरीवाल भूलिए मत। पत्रकारों ने दिल्ली यूपी के लोगों का इलाज पर सीएम केजरीवाल द्वारा इतराज जताए जाने का भी मुद्दा उठाया, लेकिन संजय सिंह संतोषजनक जवाब देने के बजाय दूसरी बातों में लगे रहे। कोरोना के दौरान यूपी में महंगे उपकरण खरीदने का आरोप लगा रहे आप सांसद के सामने ही पत्रकारों ने दिल्ली में यूपी से कहीं ज्यादा महंगी दर पर ऑक्सीमीटर समेत अन्य उपकरण खरीदे जाने पर सवाल पूछा। संजय सिंह ने इसे नकारते हुए पत्रकारों को खरीद के दस्तावेज देने की चुनौती दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पत्रकारों ने दिल्ली सरकार के दस्तावेज संजय सिंह के सामने रखते हुए 66,302 रुपये के एक ऑक्सीमीटर खरीदे जाने का सबूत पेश कर दिया, तो संजय सिंह भड़क उठे। बता दूं आपको, मिशन 2022 यूपी में हुई तेज सियासत, ओवैसी के बाद शिवपाल यादव से मिले ओम प्रकाश राजभर। आप सांसद से पूछा गया कि भ्रष्टाचार मिटाने के दावे करने वाली दिल्ली सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। कोरोना संक्रमण के दौरान महंगे दामों पर ऑक्सीमीटर हुआ पीपीई किट की खरीदारी की गई, सरकार ने ना तो इसकी जांच कराई और ना ही किसी पर कार्रवाई की। इसके साफ है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जानकारी में इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले संजय सिंह की बोलती बंद हो गई, संजय सिंह की मुंह से शब्द नहीं निकले। बता दूं आपको, इस अरविंद केजरीवाल पार्टी का काला चश्मा आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पत्रकार वार्ता के दौरान आप सांसद संजय सिंह से पूछा गया कि वह आवासीय जगह पर अपना कार्यालय बनाकर कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, एलडीए जब कार्रवाई करेगा तो आप सरकार पर इल्जाम लगाएंगे, क्या यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता? यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी युवाओं को रोजगार व बिजली पानी निःशुल्क देने के दावे तो कर रही है, लेकिन उसके पास कोई रोड मैप तैयार नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ बहकाया जा रहा है लोगों को। लेकिन यूपी के लोग भूले नहीं हैं अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं, बिहार के लोग तुम्हें भूले नहीं हैं, क्योंकि तुमने गलत किया था उस वक्त जब दिल्ली में शरण देने की बात आई थी, जब दिल्ली में मजदूरों को रोकने की बात आई थी, तो अरविंद केजरीवाल तुमने उन लोगों को बॉर्डर पर छोड़ दिया था जहां से कोई संसाधन कोई साधन नहीं थे, सिर्फ आपने साधन चलाया था दिल्ली से दिल्ली के बॉर्डर तक और लाकर यूपी के लोगों को और बिहार के लोगों को मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया था। भूले नहीं है वो लोग, भूले नहीं, याद है वही लोग वोट डालते हैं अरविंद केजरीवाल, वही लोग वोट डालते हैं जिनको तुमने मरने के लिए रोड पर फेंक दिया था। और आज बिजली पानी फ्री की सुविधा करने की बात करते हैं, कहाँ से देंगे, किसको देंगे बिजली पानी, उन आदमियों को जिसको तुमने रोड पर फेंक दिया था? अरविंद केजरीवाल नहीं जवाब दोगे, भाग जाओगे, और देखना चुनाव में उतरना भी मत, अगर चुनाव में उतरते हो तो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यू नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।